इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े बाप मरकज है कौम की उम्मीदों का। सिपाही माजिद नसीम शहीद 20 जुलाई 1988 को जिला भिम्बर के गांव मोहरा पहाड़िया में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव से हासिल की और 12वीं जमात का इम्तिहान थाथी कसकुमा से पास किया। वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे और लाडले थे। उन्हें शिकार का बेहद शौक था। उनके साथी उन्हें उस्ताद माजिद कहकर पुकारते थे। सिपाही माजिद नसीम 26 अक्टूबर 2010 को पाक फौज में भर्ती हुए। इससे पहले उनके वालिद गाजी मोहम्मद रमजान पाक फौज से वाबस्ता रहे और 65 की जंग जैसे कई अहम मार्गों में भी शहीद हुए। सिपाही माजिद की पहली तकर्री मुजाहिद रेजिमेंट में बतौर सिपाही हुई। उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान कई अहम मार्गों में बहादुरी का मुजाहरा किया। वो दिलेरी और शुजात की रोशन मिसाल थे। उनके अफसर इस हवाले से कहते हैं कि सिपाही माजिद एक ऐसा दलेर जवान था जो हमेशा फ्रंट लाइन पर ड्यूटी मांगता था। हम हमेशा पूछते कि तुम फ्रंट लाइन पर ड्यूटी क्यों मांगते हो, तो कहता कि मैं मुल्क और कौम का दिफा करते शहीद होना चाहता हूँ। सिपाही माजिद नसीम 20 अगस्त 2021 को अपने फर्ज की अदायगी के दौरान किसी जहरीली शय के काटने पर जख्मी हुए, मगर इसके बावजूद फर्ज की अदायगी को तरजीह दी और ड्यूटी पर मामूल रहे। इसी दौरान जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें भिम्बर अस्पताल और फिर वहां से CMH हारिया मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो 2 रोज बेहोश रहने के बाद अपने खालिक के हकीकी से जा रहे और शहादत के मनसब पर फायस हुए। सिपाही माजिद की नमाज जनाजा पहले भिम्बर सेंटर और फिर उनके आबाई गांव मोहरा पहाड़िया में अदा की गई और फौजी एजाज के साथ सपोते खाक में। हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। तुम्हारी सरहद की पोस्टों पे शहीद होकर हम खून अपना बहा रहे हैं। हमारे गांव में तुम जो जाओ तो देखना, तुम वतन का परचम पहन के जब हम वापस घरों को लौटते हैं तो देखना तुम के बूढ़े कंधे जवान लाशें उठा रहे हैं। वतन पे अपने जवान बेटे निसार करके मुस्कुरा रहे हैं। बाजार कुड़े देने में
6 सितंबर को सिपाही माजिद शहीद की कब्र पर कर्नल वकार ने हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और बच्चों से मुलाकात भी की। माजिद शहीद की मां का कहना था कि अल्लाह ने दिया और फिर अल्लाह ने अपने रास्ते में ले लिया। खुशी है कि अल्लाह ने मुल्क और कौम की हिफाजत करते हुए शहादत का रुतबा दिया। Thank you.